नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। दिल्ली एनसीआर में एयर पोल्यूशन के कारण हेल्थ प्रॉब्लम की मार झेल रहे लोगों को अभी अगले कुछ दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। सोमवार सुबह की शुरुआत भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्तर के साथ हुई। दिल्ली में AQI लेवल 352 यानी बहुत खराब पर बना हुआ था। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च के मुताबिक अगले तीन दिन तक PM2.5 का लेवल अगले तीन दिन तक बहुत खराब स्तर पर बना रहेगा। ऐसे में हेल्थ एडवाइजरी में भी कहा गया है कि हृदय, फेफड़ों की बीमारी, बुजुर्ग और बच्चों के ज्यादा वक्त तक बाहर जाने और ज्यादा परिश्रम करने से बचें। सफर इंडिया के अनुसार सोमवार को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता PM2.5 का लेवल बहुत खराब बना हुआ है, जो कि हम आपको बताते हैं कहां कहां कैसा रहा। पूसा में 336, लोधी रोड में 336, एयरपोर्ट T3 पे 357, नोएडा 414, मथुरा रोड 379, आया नगर 342, IIT दिल्ली 339, गुरुग्राम 358, इंदिरापुरम 232, लोनी 324। आपको बता दें कि वायु प्रदूषण के कारण राजधानी दिल्ली में निर्माण गतिविधियों पर लगी रोक सोमवार से प्रभावी हो गई है। हालांकि अगले आदेश तक स्कूल बंद रहेंगे। इस बीच ऑनलाइन कक्षाएं व बोर्ड परीक्षाएं चलती रहेंगी। वहीं गैर जरूरी सामान लाने वाले ट्रकों पर लगाई गई पाबंदी को भी 26 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत।